हेलो दोस्तों, तो ये आज का जो वीडियो है ये रिगार्डिंग द बोन्स है। तो इसमें मैं बोन्स के बारे में डिस्कस करूंगा, और स्पेशली अभी तक मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ क्लेविकल पे, स्कैपुला पे, लेकिन अभी ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ कि ये बना रहा हूँ मैं डायरेक्टली, क्योंकि इतना लिखना बोर्ड पे पॉसिबल नहीं है। और कुछ बच्चों की दिक्कतें आ रही हैं, उनका कहना है कि सर राइटिंग समझ में नहीं आती। अब मेरे अकेला बंदा रिकॉर्डिंग करता हूँ, तो मेरे पास कोई कैमरे को पकड़ने वाला रिकॉर्डर तो है नहीं जो उस पर जूम कर सके। तो मैंने एक ये एक्सपेरिमेंटल तौर पर करके देखा है, तो आप ज़रा देखिए और बताइए, क्या फीडबैक ज़रूर दीजिए मेरे को। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। रेडियस, तो रेडियस के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो रेडियस इज़ अ फोर आर्म बोन। फोर आर्म में जो दो बोन होती है हमारी, रेडियस वाला उनमें से एक है रेडियस। रेडियस इज़ अ लेटरल बोन। पहली बात याद रखें, एक ऐसी बोन है ये लेटरल बोन है, और इट इज़ होमोलोगस टू द मीडियल बोन ऑफ द लेग। ये याद रखने वाली बात है कि ये होमोलोगस टू द मीडियल बोन ऑफ द लेग, दैट इज़ टीबिया। टीबिया के होमोलोगस है, लेकिन हम लोग अगर एकदम से सोचे और एग्जामिनर अगर हमसे पूछता है ना, तो हम अंदाज़ा लगाते हैं, अच्छा जो पैर में लेटरली है तो वो हाथ में भी लेटरली होगी। लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पर जो लेटरल बोन है फोर आर्म की, वो होमोलोगस है मीडियल बोन ऑफ द लेग के, दैट इज़ टीबिया। यानी टीबिया और रेडियस एक जैसे हैं, और अलना और फिबुला एक जैसे हैं। ये बिल्कुल याद रखें, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट है ये, और यहाँ पर आसानी से क्वेश्चन गलत हो जाता है वाइवा के टाइम पर। इसके बाद बात करते हैं हम पार्ट्स की। तो जैसा कि मैंने बताया कि हम लॉन्ग बोन को थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। रेडियस इज अ लॉन्ग बोन एंड कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स। देखिए यहाँ पर है ये थ्री पार्ट्स। ये थ्री पार्ट्स वही जो जनरली हमने ह्यूमरस में भी डिस्कस किया था, अपर एंड होता है, एक शाफ्ट होती है, और एक लोअर एंड होता है। ठीक है, तो अब हम कोशिश करते हैं जानने की कि अपर एंड में क्या होता है। तो अपर एंड को देखते हैं, तो देखिए अपर एंड प्रेजेंट हेड, नेक एंड रेडियल ट्यूबरोसिटी। तो ये बिल्कुल आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए कि अपर एंड पर तीन ही स्ट्रक्चर होते हैं, हेड होता है, नेक होता है, और रेडियल ट्यूबरोसिटी होती है। द हेड इज डिस्क शेप्ड, याद रखें इस बात को, हेड इज डिस्क शेप्ड। तो देखिए मैं यहाँ पर डायग्राम में भी आपको दिख रहा होगा, ये रेडियस है आपकी, तो यहाँ पर हेड देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं हेड यहाँ पर मेंशन है। देखिए हेड ऑफ रेडियस, जहाँ मेरा माउस चल रहा है आप देख सकते हैं ये कर्जर को यहाँ पर, क्योंकि हेड ऑफ रेडियस ये यहाँ पर दिख रहा है। कैसा दिख रहा है आपको? हेड इज डिस्क शेप्ड। यहाँ पर साफ साफ हमें समझ आ रहा है कि हेड इज डिस्क शेप्ड। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, हेड इज डिस्क शेप विच आर्टिकुलेट अबव विद द कैपिटुलम ऑफ ह्यूमरस, विद द कैपिटुलम ऑफ ह्यूमरस, ह्यूमरस के कैपिटुलम के साथ ये जुड़ता है, ये याद रखिए। इट आर्टिकुलेट विद द कैपिटुलम ऑफ ह्यूमरस। द नेक इज कंसिडर्ड पार्ट, नेक इज अ कंस्ट्रिक्टेड पार्ट बिलो द हेड। अब यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये हेड है, यहाँ पर ये हेड है, हेड के नीचे ये देखिए यहाँ पर ये वाइड हो गया, वाइड पोर्शन का नाम रेडियल ट्यूबरोसिटी है, देखिए मीडियली, और ये यहाँ पर जो नेक है ये कंस्ट्रिक्टेड पार्ट है, हेड और रेडियल ट्यूबरोसिटी के बीच में आपका यहाँ पर ये लिखा हुआ है रे नेक ऑफ द रेडियस। तो यहाँ पर साफ साफ हमें पता चल रहा है नेक ऑफ द एरिया, नेक एरिया इज कंस्ट्रिक्टेड। इसके बाद आती है रेडियल ट्यूबरोसिटी। ये जो स्ट्रक्चर है रेडियल ट्यूबरोसिटी, ये क्या है? इट इज जस्ट बिलो द मीडियल पार्ट ऑफ द नेक। तो देखिए नेक का ये लेटरल एंड हो गया और ये मीडियल हो गया, जो अल्ना की तरफ जुड़ा हुआ है वो कौन सा है? मीडियल हो गया, और अल्ना से बाहर की तरफ है वो रेडियल हो गया। तो मीडियल पार्ट पर क्या होती है? रेडियल ट्यूबरोसिटी, रेडियल ट्यूबरोसिटी एट द मीडियल पार्ट ऑफ द नेक। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है ये मीडियल पार्ट पर रेडियल ट्यूबरोसिटी है। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि अपर एंड पर तीन ही स्ट्रक्चर हैं, एक है हेड, एक है नेक, और तीसरा है रेडियल ट्यूबरोसिटी। अब बात करते हैं बात शेफ्ट की। तो यहाँ शेफ्ट पर अगर हम आते हैं, तो शेफ्ट जो है, जो लॉन्ग शेफ्ट एक्सटेंड बिटवीन द अपर एंड लोअर एंड, एक्सटेंड बिटवीन द अपर एंड लोअर एंड प्रेजेंट लेटरल कॉन्वेक्सिटी। ये देखिए इसको मैं कलर किए देता हूँ। द शेफ्ट जो है वो अपर एंड लोअर एंड के बीच में होती है, एंड लेटरली कॉन्वेक्स होती है। जब हम इसको रख कर हाथ में पकड़ कर देखते हैं, इस बोन को जब आप देखेंगे, तो इसमें थोड़ी कॉन्वेक्सिटी मिलेगी। तो कॉन्वेक्सिटी क्या बताती है? वो लेटरल साइड में कॉन्वेक्सिटी होगी। इट वाइडन रैपिडली टूवर्ड्स द डिस्टल एंड एंड कॉन्केव एंटीरियरली इन इट्स डिस्टल पार्ट। जैसे जैसे हम इसके प्रॉक्सिमल से डिस्टल पार्ट की तरफ बढ़ेंगे,
तो ये जो डिस्टल पार्ट पर जाकर, डिस्टल एंड पर जाकर थोड़ा सा चौड़ा हो जाएगी, वाइड हो जाएगी। और अगर मैं एंटीरियर देखूँ तो ये डिस्टल पार्ट थोड़ा सा कॉनकेव हो जाएगा, इसमें एक डिप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, इट्स शार्पेस्ट इंटरोशियस बॉर्डर इज लोकेटेड ऑन मीडियल साइड। इसका एक बॉर्डर होता है इस पर, एक जो सबसे शार्पेस्ट है, जिस पर एक इंटरोशियस मेम्ब्रेन मैंने आपको बताई थी जॉइंट्स में, तो ये इंटरोशियस मेम्ब्रेन जुड़ी रहती है इस बॉर्डर पर। तो ये भी कौन से पर होता है? ये मीडियल साइड पर होता है। ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं रेडियस रेनुला एंटीरियर व्यू, और ये वाला है पोस्टीरियर व्यू। तो अगर मैं एंटीरियर व्यू की बात करूँ तो एंटीरियर व्यू में एंटीरियर ऑब्लिक लाइन दिख रही है, रफ एरिया फॉर प्रोनेटर टेरिस मसल के लिए, और ये शेफ्ट ऑफ द रेडियस है, ये अल्ना है और ये रेडियस है। तो अब आप देख सकते हैं कि रेडियस और अल्ना में अगर हम देखें तो रेडियस अल्ना के मुकाबले थोड़ी थिक होती है। तो दोनों बोन्स में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि थिक होती है कौन सी? रेडियस, मिडिल शेफ्ट रीजन में। जबकि अपर एंड पर जाकर कौन ज़्यादा थिक होता है? अपर एंड पर अल्ना ज़्यादा थिक होती है। ठीक है, इसके बाद आपके बात करते हैं लोअर एंड की। तो लोअर एंड की अगर हम बात करें तो लोअर एंड भी वाइडेस्ट पार्ट एंड प्रेजेंट फाइव सर्फेसेस। ये थे सबसे ज़्यादा याद रखने वाली बात है कि लोअर एंड जो होता है रेडियस का, वो वाइडेस्ट होता है, पूरे रेडियस का सबसे वाइडेस्ट पार्ट। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ये दिखा रहा है ना, स्टाइलोइड प्रोसेस ऑफ रेडियस, स्टाइलस प्रोसेस ऑफ रेडियस, और इधर है स्टाइलोइड प्रोसेस ऑफ अल्ना। देखिए, अल्ना की स्टाइलोइड प्रोसेस कितनी छोटी है और रेडियस की कितनी बड़ी है और वाइड है। तो इस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है, इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट एंड प्रेजेंट फाइव सर्फेसेस, द लेटरल सर्फेस प्रोजेक्ट डिस्टली एज अ स्टाइलोइड प्रोसेस। ये देखिए, जो इसका अल्ना के साथ ज्वाइंट बनेगा वो मीडियल सर्फेस हो गया, और जो बाहर की तरफ है वो लेटरल है। तो लेटरल का ही एक्सटेंशन क्या बुलाते हैं हम इसको? इसको हम बोलते हैं स्टाइलोइड प्रोसेस। द डोर्सल सरफेस प्रेजेंट अ पाल्पेबल डोर्सल ट्यूबरकल दैट इज कॉल्ड लिस्टर ट्यूबरकल। ये याद रखिए, नाम पूछा जा सकता है वाहवा में, व्हाट इज लिस्टर ट्यूबरकल और ये कहाँ पर लोकेटेड होता है। तो याद रखिए कि ये रेडियस के लोअर एंड पर एक पाल्पेबल एलिवेशन मान सकते हैं। ट्यूबरकल क्या होता है? ट्यूबरकल एक टाइप का एलिवेशन होता है, एक उठाव होता है, दैट इज कॉल्ड लिस्टर ट्यूबरकल विच इज लिमिटेड मीडियली बाई ऑब्लिक ग्रूव। तो इसके पास एक ऑब्लिक ग्रूव होता है या डिप्रेशन होता है। तो बस आप इतना याद रखिए, इतना कोई नहीं पूछ रहा आपसे, आप इतना याद रखिए कि लिस्टर ट्यूबरकल कहाँ होता है? लिस्टर ट्यूबरकल होता है डोर्सल सरफेस ऑफ द लोअर एंड ऑफ रेडियस। ठीक है, तो ये हमारे बेसिक पॉइंट्स थे इसके रेडियस के बारे में। अब पूछा जा सकता है, क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज़ द एनाटॉमिकल डिटर्मिनेशन, एनाटॉमिकल पोजीशन एंड साइड डिटर्मिनेशन। तो आप कैसे पहचानेंगे कि रेडियस किस साइड की है, राइट साइड की है या लेफ्ट साइड की है? तो आप इसको पहचान सकते हैं कि आप पहले तो बोन को वर्टिकली अपने हाथ में पकड़ लीजिए। ठीक है, वर्टिकली इसको हाथ में पकड़ने के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा? द नैरो डिस्क शेप्ड एंड दैट इज हेड इज डायरेक्टेड अपवर्ड। ये अभी हमें बताया था, डिस्क शेप क्या होता है? हेड वो सर्कुलर होता है। द शार्पेस्ट बॉर्डर, जिस शार्पेस्ट बॉर्डर अभी बताया था इंटरोशियस बॉर्डर, वो कैसा था? उसको आपको मीडियल डायरेक्शन में रखना है। ठीक है, स्टाइलोइड प्रोसेस नीचे की तरफ दिखेगी आपको। ठीक है, और स्टाइलस प्रो और एक प्रोमिनेंट ट्यूबरकल होता है लिस्टर ट्यूबरकल, वो भी नीचे की तरफ होगा। और कॉन्वेक्सिटी ऑफ शाफ्ट किधर होगी? वो लेटरली होगी। ये सारे पॉइंट मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो आपको जब ये सारे पॉइंट अगर आपके दिमाग में आ जाएंगे तो आप तुरंत पहचान सकते हैं कि ये किस साइड की रेडियस है। यहीं पर हम एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं, फ्रैक्चर ऑफ रेडियस। इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको पता है रेडियस इज अ वेट बियरिंग बोन ऑफ द फोर आर्म, इसको हम वेट बियरिंग बोन कंसीडर करते हैं। ठीक है, हैंस फ्रैक्चर ऑफ रेडियस इज मोर कॉमन देन अल्ना, यानी अल्ना के मुकाबले रेडियस में फ्रैक्चर ज़्यादा होते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि रेडियस इज मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर बोन इन पीपल अबव 50 ईयर्स ऑफ एज, 50 साल से ऊपर वाले लोगों में ये सबसे ज़्यादा टूटती है। इट इज़ ऑफन फ्रैक्चर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फॉलन आउट स्ट्रेच, जब आप हाथ खोलकर ज़मीन पर एक साथ गिरते हैं, आउट स्ट्रेच हैंड, तब इसके टूटने के चांस ज़्यादा होते हैं। अब यहाँ पर फ्रैक्चर के दो लोकेशंस हैं, देखिए, एक होगा फ्रैक्चर ऑफ शेफ्ट ऑफ रेडियस। अगर फ्रैक्चर शेफ्ट में होगा रेडियस के बिलो द इंसर्शन ऑफ बाइसेप्स, जहाँ पर बाइसेप्स इंसर्ट होती है,
तो इसकी वजह से क्या होगा, जो अपर फ्रैगमेंट होगा वो सुपिनेटर कंडीशन में आ जाएगा और लोअर फ्रैगमेंट जो होगा वो प्रोनेटर कंडीशन में आ जाएगा ड्यू टू प्रोनेटर टेरिस मसल। तो देखिए दोनों ही बोन अपने अपने डायरेक्शन में बोन के जो पीसेस होंगे उनको खींचेंगी, तो जाहिर सी बात है दो फ्रैगमेंट में टूटेगी जब बोन, तो जो ऊपर वाला फ्रैगमेंट है उससे कौन सी बोन जुड़ी, उससे कौन सी मसल जुड़ी हुई है, प्रोनेटर टेरिस टू द अपर फ्रेगमेंट इज, तो वो उसको क्या पोजिशन में ले जाएगी, सुपाइन पोजिशन में, और लोअर फ्रेगमेंट इज प्रोनेटेड बाई प्रोनेटर टेरिस। ठीक है, तो ऊपर वाले को कौन घुमा देगा, बाइसेप्स, और नीचे वाले को कौन घुमा देगा, प्रोनेटर टेरिस। अगर फ्रैक्चर डिस्टल एंड पर होता है जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन है तो उसको हम बोलते हैं कोलीज फ्रैक्चर। तो डायरेक्ट वाइवा में पूछा जाता है कि व्हाट इज कोलीज फ्रैक्चर, तो याद रखिए कि कोलीज फ्रैक्चर इज द फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल एंड ऑफ रेडियस। इसमें क्या होगा, रिवर्स ऑफ कोलीज फ्रैक्चर इज कॉल्ड स्मिथ फ्रैक्चर। इसका उल्टा अगर फ्रैक्चर होता है तो उसको हम बोलते हैं स्मिथ फ्रैक्चर्स। अब इसमें समझने की बात क्या है कि डिस्टल फ्रैगमेंट इज डिस्प्लेस्ड बैकवर्ड एंड अपवर्ड, तो डिस्टल फ्रैगमेंट बैकवर्ड और अपवर्ड चलेगा। अगर ये डाउनवर्ड और अगर ये फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड चला जाएगा तो उसको हम बोलते हैं स्मिथ फ्रैक्चर। तो स्मिथ फ्रैक्चर इतना कॉमन नहीं है, कॉमन है कोलीज फ्रैक्चर। तो जहाँ से डिस्टल एंड रेडियस का टूटेगा तो जो डिस्टल टूटा हुआ एंड है वो पीछे की तरफ बैकवर्ड एंड अपवर्ड की तरफ चला जाएगा। यहाँ पर हमें दिख रहा है, देखिए ये रेडियस है, तो रेडियस में यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है, देखिए क्या हो रहा है, बैकवर्ड एंड अपवर्ड। तो ये जो टुकड़ा है जो टूटा है, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको कर्सर से, जो आपको ये टुकड़ा टूटा हुआ दिख रहा है ये ऊपर की तरफ जा रहा है और पीछे की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इसको तो मैं बोला कोलीज फ्रैक्चर, और ये देखिए यहाँ पर नीचे की तरफ जा रहा है और आगे की तरफ जा रहा है टूवर्ड्स द कार्पल, तो ये डिस्टल फ्रैगमेंट डिस्प्लेस एंटीरियरली। समझ में आ गई बात, तो इसको मैंने बोला स्मिथ फ्रैक्चर। अगर स्टाइलॉइड प्रोसेस टूटेगी तो उस फ्रैक्चर का नाम होता है शॉफर्स फ्रैक्चर, उसका नाम है शॉफर्स फ्रैक्चर। तो ये तीन फ्रैक्चर्स के आप नाम याद कर लीजिए वाइवा के लिए, कोलीज फ्रैक्चर होता है एक, कोलीज फ्रैक्चर भी डिस्टल एंड पर होता है, बस फर्क क्या है कि जो टूटा हुआ एंड है वो किस डायरेक्शन में जाके गिरेगा उस बेसिस पर डिपेंड करता है कि फ्रैक्चर का नाम क्या होगा। अगर वो बैकवर्ड एंड अपवर्ड है तो सिंपल आ जाइए कोलीज फ्रैक्चर है, और अगर वो एंटीरियर और डाउनवर्ड है तो वो स्मिथ फ्रैक्चर है। समझ में आ गया, और इसके बाद ये स्टाइलॉइड प्रोसेस है सिंपल, अगर उसका फ्रैक्चर हो जाएगा तो उसको बोलेंगे शॉफर्स फ्रैक्चर।